हाय फ्रेंड, टेक्निकल आदि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तालिब सोलकर और आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों ये देखो मोटोरोला का मॉडल नंबर, मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये देखिए मॉडल नंबर XT1643 यानी कि मोटो G4 प्लस। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, जब भी मैं मोबाइल को चार्ज लगाता हूँ चार्जिंग शो बता रहा है लेकिन मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। ये देखो दोस्तों, मैंने मोबाइल को चार्ज लगाया है लेकिन चार्ज तो बता रहा है लेकिन चार्ज नहीं होता। मोबाइल की बैटरी का भी कोई इशू नहीं है, मोबाइल के कनेक्टर का भी कोई इशू नहीं है दोस्तों, बस एक पार्ट चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप मोबाइल को ऑन करके भी देखते हैं कि मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोबाइल ऑन हो रहा है दोस्तों, हम कुछ देर वेट करते हैं मोबाइल ऑन होने तक और फिर देखते हैं कि मोबाइल चार्ज बता रहा है या नहीं ऑन टाइम। दोस्तों ये अक्सर प्रॉब्लम मोटोरोला की ये मॉडल में आ जाता है, तो कुछ लोग चार्जिंग कनेक्टर चेंज करते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे चार्ज शो बता रहा है मोबाइल ऑन टाइम भी, और मैं बैटरी के नोटिफिकेशन पैनल में भी देखता हूँ कि यहाँ पे भी शो बता रहा है, और जब भी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तब यहाँ लिखा आता है नॉट चार्जिंग और बैटरी माइनस चली जाती है। दोस्तों नॉट चार्जिंग आता है और बैटरी माइनस में चली जाती है, तो इसका एक ही प्रॉब्लम है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। आप इधर नॉट चार्जिंग बता रहा है दोस्तों, तो फिर मोबाइल को ओपन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा वाला पार्ट चेंज करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इसके लिए वो पहले मोबाइल को ओपन करता हूँ। मैं पहले से इसकी स्क्रूज रिमूव कर दिया है ताकि वीडियो में लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले से स्क्रू निकाल दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका कौन सा वाला पार्ट ख़राब हो गया है दोस्तों। जो ये पीछे का सेंसर है दोस्तों, ये वाला पार्ट बदलने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें LED फ्लैश लाइट आता है और दो सेंसर आता है दोस्तों, और ये वाला स्ट्रिप चेंज करने से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरे पास ये वाला पार्ट है पहले से अवेलेबल, तो मैं इसको चेंज करके आपको बताता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो मैं पहले इसको ऐसे ही इंसर्ट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वो वाला पार्ट बैठता है दोस्तों, और उसके बाद मैं अभी चार्ज लगा के देखता हूँ कि वहाँ नॉट चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। अब चार्ज तो कनेक्ट हो चुका है नोटिफिकेशन पैनल में, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्लिक करके और चार्जिंग AC ऑन बता रहा है, यानी कि चार्ज अभी हो जाएगा दोस्तों। ये बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बस ये सेंसर का प्रॉब्लम है। ये सेंसर चेंज करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। कुछ लोग अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ जो नीचे चार्जिंग सॉकेट है दोस्तों, वो चेंज करके देखते हैं लेकिन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, और IC में भी ये प्रॉब्लम नहीं जाता है दोस्तों। बस ये सेंसर वाला प्रॉब्लम, ये सेंसर चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। नोटिफिकेशन पैनल में जाके बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि चार्जिंग AC ऑन बता रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।